नमस्कार, मैं हूँ विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और कनाडा का रिलेशन अपने वर्स्ट फेज से चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच इंटरडिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। आज के वीडियो में हम दोनों देशों के बीच क्या क्या इंटरडिपेंडेंसी है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, भारत में अप्रैल 2000 से लेकर 2023 के बीच FDI इनफ्लो 70.97 बिलियन US डॉलर था और उसमें 56% कनाडा से है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार 3,21,00,000 भारतीय फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और इसका 5.26% यानी 16,89,055 लोग कनाडा में रहते हैं और इनमें 1,78,410 NRIs है और 15,10,645 लोग इंडियन ओरिजिन है। 2022 में टोटल 13,24,954 इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते थे और उनमें से 1,83,310 स्टूडेंट्स यानी 13.83% स्टूडेंट्स अकेले कनाडा में पढ़ते हैं। भारत के टूरिज्म सेक्टर में 2021 में कनाडा का कंट्रीब्यूशन 5.3% यानी 80,437 लोग कनाडा से भारत घूमने आए थे। इसमें से ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। पेंडेमिक के पहले यानी 2019 में 3,51,859 कैनेडियन लोग भारत घूमने आए थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद ये नंबर्स बहुत कम हुआ है। 2001 में 88,600 लोग भारत घूमने आए थे कनाडा से और ग्रेजुअली ये बढ़ रहा था, लेकिन पेंडेमिक के बाद फिर स्लो हो गया है। कनाडा भारत का 35th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन भारत नेपाल और ताइवान जैसे छोटे देशों के साथ ज्यादा ट्रेड करता है कनाडा के कंपैरिजन में। नेपाल के साथ 8.858 मिलियन US डॉलर और ताइवान के साथ 10.9 मिलियन US डॉलर। भारत कनाडा से 33,497 करोड़ का इम्पोर्ट करता है और 32,939 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत करता है, यानी कनाडा का बैलेंस ऑफ ट्रेड 558 करोड़ सरप्लस में है। भारत कनाडा को 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में मेडिसिन, वेनिमी श्रिम्प, स्मार्टफोन्स, ज्वेलरी ऑफ कोल्ड सेट, डायमंड्स, बासमती राइस, आयरन पाइप्स फॉर ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टी-शर्ट्स जैसे और भी चीजें एक्सपोर्ट किया था। लेकिन भारत कनाडा से कुकिंग ऑयल, पोटेशियम क्लोराइड, मसूर दाल, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प जिससे पेपर बनाया जाता है, MOP फर्टिलाइजर जिससे फल और सब्जी के खेती में यूज किया जाता है, एक्सेट्रा, ये सब इंपोर्ट करता है। भारत के टॉप इंपोर्ट्स की बात करूं तो पहला है खाना बनाने के लिए यूज होने वाला कोयला। 2022-23 में भारत 28.96 लाख टन का कोयला इंपोर्ट किया था कनाडा से। कनाडा इसमें 5th लार्जेस्ट सप्लायर है और कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया, US, सिंगापुर और रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड हम सबसे ज्यादा कनाडा से इंपोर्ट करते हैं और 2022-23 में भारत 11.43 टन ऑफ केमिकल कनाडा से इंपोर्ट किया था। कनाडा के अलावा इजराइल, जॉर्डन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान और रशिया से हम केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। कनाडा से हम सबसे ज्यादा मसूर दाल इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 में 4.85 लाख टन इंपोर्ट किया था। कनाडा के बाद हम ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, UAE और श्रीलंका से हम इंपोर्ट करते हैं। भारत कनाडा से 2022-23 में 2.5 लाख टन का न्यूज प्रिंट इंपोर्ट किया था, जो कि हाईएस्ट है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। न्यूज प्रिंट का मतलब है न्यूज पेपर के लिए यूज होने वाला कागज जिससे हमारे यहाँ न्यूज पेपर छपता है। न्यूज प्रिंट हम कनाडा के अलावा रशिया, कोरिया, मलेशिया और UAE से इंपोर्ट करते हैं। और लास्ट में है वुड पल्प। वुड पल्प पेपर बनाने के लिए यूज होता है और हमने इसे कनाडा से 2022-23 में 2.6 लाख टन का इंपोर्ट किया था। वुड पल्प कनाडा के अलावा न्यूजीलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, US और नेदरलैंड से हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।